नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप NTA UGC नेट पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 लॉ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपके लिए बहुत ही चैलेंज का विषय होता है। उसका जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इतना सामान्य सा नहीं होता है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर जो है एक तो कॉन्सेप्ट थ्योरी और साथ ही साथ जजमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे मैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए। पहला क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क केस इज ऑफन साइटेड द इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत राज्य संप्रभुता का सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अक्सर इसको साइट किया जाता है, ठीक है? यहां पर राज्य संप्रभुता का सिद्धांत है, यहां पर स्टेट सोवरेनिटी थ्योरी जो है आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? राज्य की संप्रभुता मतलब क्या राज्य वो केस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके पास में पावर है या नहीं है, इससे संबंधित है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, फाइटिंग हो रही है, और यहां पर पाकिस्तान बीच में घुस जाए, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और चाइना के बीच की जो युद्ध है या जो भी डिस्प्यूट है क्या पाकिस्तान लगा सकता है? तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा। यहां पर जो है बहुत इजी गोइंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा, चार केसेस हैं, ठीक है? ये चार केसेस हैं। पहली बार लोटस केस में, लोटस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टेट सोवरेनिटी थ्योरी को प्रतिपादित किया गया, राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है? ये जो चारों जो केसेस हैं इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं चारों केसेस को किस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। सबसे पहला हम लोटस केस को आते हैं। दोस्तों, ये आपके जानकारी के लिए मैं इंग्लिश में दे दिया हूँ, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट करके इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों है। यदि आपको हकीकत में ये नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप में मैसेज भेजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता होनी चाहिए, मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ, तो इसलिए आपको मेरे से हमेशा टच में रहना पड़ेगा। आपको 9131922789 और एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हूँ, ठीक है? 14 साल का अनुभव है पढ़ाने का और नेट में मेरे यहाँ के बच्चे बहुत निकलते हैं, ठीक है? तो ये मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं हिंदी वाला को, पार्ट को देखेंगे और लोटस केस का क्या है, ठीक है? इसको हम लोग SS लोटस केस के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लोटस केस का सन भी पूछ देता है, तो यहां पर समझिएगा लोटस केस 1927 का है और ये SS लोटस केस के नाम से भी जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, फ्रांस और टर्की, ठीक है, फ्रांस और टर्की के बीच में ये केस माना जाता है। और ये जो केस है आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, परमानेंट कोर्ट था, अंतर्राष्ट्रीय का जो परमानेंट कोर्ट है, ठीक है, उससे संबंधित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक है, यानी कि न्यायालय का नाम है। यहां पर तथ्य को समझते हैं, ठीक है, तथ्य को समझते हैं। फ्रांस और टर्की के नाम सुन गए होंगे, आप समझ गए होंगे, ये फ्रांसी जहाज थी SS लोटस, ठीक है, और तुर्की की जहाज, और समुद्र में टक्कर हो गई, और ऐसे जगह पर ना तो वो फ्रांस के क्षेत्राधिकार में आता है ना ही टर्की के क्षेत्राधिकार में आता है, समुद्र के ऐसा भाग है, ठीक है, जहां पर दोनों जहाजें टकरा गई, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, मर गए, ठीक है, जान चली गई। तो टर्की ने
लोटस पर सवार फ्रांसीसी अधिकारी पर मुकदमा चलाया। जो लोटस जो सीप है, सीप में जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, ठीक है, उनके खिलाफ में ये केस दायर किया गया, जिसका फ्रांस ने विरोध किया। ठीक है, फ्रांस ने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि वो ऐसा जगह है जहां पर इंटरनेशनल लॉ कवर नहीं करता है, जुरिडिक्शन में नहीं आता है। जब जो जुरिडिक्शन में ही नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो मामला बनता नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जो फ्रांसिस, ठीक है, कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने टर्की के खिलाफ में जो है मतलब प्रतिरोध किया कि ये जुरिडिक्शन में नहीं आता भाई। तो यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट निषेध के अभाव है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा नहीं कर रहा है कि आप ऐसा केस नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राज्य संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पर, ठीक है, और राज्यों के पास में व्यापक स्वतंत्रता है, यानी कि जुरिडिक्शन है, जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित न कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे एरिया में भी केस दायर कर सकता है। यह मामला राज्य की कार्यवाही के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुमेय प्रकृति को समझने के लिए आधारभूत है। मतलब इससे लोटस केस से आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रतिबंध न लगा दिया जाए, तब तक वो स्वतंत्र है, राज्य राज्य की संप्रभुता है, वो केस दायर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुर्की ने जो है मुकदमा चलाया और उसके पक्ष में निर्णय भी दिया। ठीक है, शायद मुझे लगता है लोटस केस आपको समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है, यदि समझ में आया है तो जरूर बताएं। ये देखिएगा, मैं इंग्लिश पार्ट को आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, है निकारागुआ वर्सेस यूएसए। ठीक है, निकारागुआ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 का है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, ये मामला है निकारागुआ से संबंधित है। ठीक है, क्या है ये? उसने अमेरिका पर कांट्रा विद्रोह का समर्थन करने और निकारागुआ के बंदरगाहों पर खनन करने का आरोप लगाया था। ठीक है, अमेरिका ने ये जो निकारागुआ बंदरगाह है वहां पर माइनिंग करने का आरोप लगाया। ठीक है, क्योंकि वो बंदरगाह में जबरदस्ती खनन कर रहा है, जबरदस्ती, ये जबरदस्ती वाला केस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गैर हस्तक्षेप बताई कि तुम्हारा क्षेत्राधिकार नहीं है भाई। ठीक है, आप देखिएगा, पहला लोटस केस में ऐसा क्षेत्राधिकार था जहां पर दोनों देश का अधिकार नहीं था, यहां पर अधिकार है, गैर हस्तक्षेप, अमेरिका पर गैर हस्तक्षेप का आधार बनाया और राज्य संप्रभुता के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए निकारागुआ के पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है, यहां पर जो राज्य संप्रभुता का सिद्धांत इसमें भी जिक्र हुआ है, लेकिन ये राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत कब जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही उद्धरण कर दिया गया है, तो वहां तो राज्य संप्रभुता का सिद्धांत लागू होगा। और लोटस केस में क्या था कि क्षेत्राधिकार नहीं थी, वहां पर क्षेत्राधिकार ही नहीं था। तब ऐसे स्थिति में वो डिस्प्यूट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। हालांकि यह राज्य संप्रभुता के सामान्य सिद्धांत के बजाय बल के उपयोग के निषेध पर अधिक केंद्रित है, बल के उपयोग के निषेध पर, यानी कि वो जो जबरदस्ती जो जो माइनिंग कर रहा है, जबरदस्ती जो फोर्सली जो काम कर रहा है उस पर केंद्रित है। यहां पर यह विषय नहीं उठा था कि यह मामला लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। निकारागुआ जो है, ठीक है, निकारागुआ जो बंदरगाह थी उससे संबंधित, ठीक है, यहां पर जो है वो केस दायर कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस पर कोई विवाद नहीं है। बस जबरदस्ती जो कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती जो बंदरगाह के ऊपर जो खनन कर रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना था कि ये जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है, गैर हस्तक्षेप, और राज्य संप्रभुता सिद्धांत दोनों के बारे में बात किया गया, लेकिन इसमें जो है गैर हस्तक्षेप वाला मामला है ये। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्थ सी
कंटिनेंटल सेल्फ केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 सन भी आप लोग याद करके जाइएगा, उत्तरी सागर महाद्वीपी सेल्फ मामला। ठीक है, अब यहां पर सेल्फ का मतलब क्या होता है देखिएगा, यहां पर समझिएगा, समुद्री क्षेत्र है, उत्तरी सागर महाद्वीप है ये, वहां पर सेल्फ का मतलब ये होता है कि कोई रेतीला भाग, ठीक है, कोई टीला, ठीक है, जो जो चट्टान है, ठीक है, हम टीला नहीं कहेंगे, चट्टान है, या फिर ये कहें कि कुछ भाग निकल गया हो, कुछ भाग निकल गया हो, उसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर सीमांकन से संबंधित है, अपने अपने देश के जो सीमांकन करना है उससे संबंधित मामला है। इसमें तीन देश थे, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड, ये तीनों जो है, जो टीला है, जो चट्टान है, या जो रेतीला भाग है, या जो एक्स्ट्रा निकल गया है, उस पर अपना सीमांकन, अपना दावा कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया कि समुद्री सीमा सीमांकन में, समुद्री सीमा सीमांकन में न्यायसंगत सिद्धांत पर जोर दिया गया, न्यायसंगत, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिफाइड, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिफाइड, जस्टिफाई करना है कि बोले ये सेल्फ जो है किसका है, ये सेल्फ किसका है भाई, ठीक है, जर्मनी का है, डेनमार्क का है, या नीदरलैंड का है। तो यहां पर जो है जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है भैया, ठीक है, कि हकीकत में किसका है, इस पर जोर दिया गया है। तो इस पर जोर नहीं दिया गया है कि किसका जुरिडिक्शन में आता है, कोर्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समुद्री कानून से अधिक संबंधित है, समुद्री कानून यहां पर काम करेगा, न कि यहां पर क्षेत्राधिकार या जो स्टेट सोवरेनिटी का थ्योरी है वो लागू होगा। ये देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, 1970 का जो है, बार्सिलोना ट्रैक्सन और लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे संबंधित इसको ठीक से ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन जो लाऊंगा इससे संबंधित लाऊंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास देखिएगा, यहाँ पर बार्सिलोना एक है, बार्सिलोना ट्रैक्सन है, और लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड है, दो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, एक स्पेनिश और कनाडा कंपनी है, स्पेनिश कंपनी और कनाडिया कंपनी की, ठीक है, और ये दोनों के व्यवहार से संबंधित है, ठीक है, इनके दोनों के व्यवहार से संबंधित है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार के डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन से संबंधित है, इसमें कॉर्पोरेट नेशनलिटी से संबंधित है, ये राज्य संप्रभुता पर संबंधित नहीं है, इसको हम लोग जो है ठीक से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, वो सिद्धांत कौन सा है, इस केस में प्रतिपादित हुआ था 1970 के केस में, तो हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर टू, अंतर्राष्ट्रीय कानून में जस कोजेंस की जो कॉन्सेप्ट है, जस कोजेंस की, ठीक है, यहां पर जूस लिखा गया है, ये जस कोजेंस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है पहले तो समझ जाइएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय सामान्यतः बाइंडिंग नहीं होता है, सामान्यतः बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ मामले में सभी के लिए बाइंडिंग है, ठीक है, यानी कि उसका पालन करना नितांत जरूरी है, इसी को हम जस कॉन्जेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कुछ मामले, कुछ क्षेत्र होता है, कुछ विषय वस्तु होता है जहां पर हर व्यक्ति को मानना जरूरी है, हर राज्य को मानना जरूरी है, संधि करते समय भी इन बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए आप कन्वेंशन कर रहे हैं या कोई ट्रीटीज कर रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ विषय वस्तु ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय सुनाया हुआ है जो सभी के लिए बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर चार केसेस दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है जस कोजेंस की जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्रतिपादित किया गया था, इसमें, ठीक है, किसमें, यहां पर जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बार्सिलोना ट्रैक्सन लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड का केस है। इसको मैं आपको ठीक से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। बार्सिलोना ट्रैक्सन एंड लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड के मामले में यहाँ पर देखिएगा, कनाडाई कंपनी बार्सिलोना ट्रैक्सन शामिल थी, ठीक है, जिसे कनाडा में निगमित किया गया था। देखिएगा ये कंपनी है, कनाडा की एक कंपनी है जिसको हम कनाडाई कंपनी बार्सिलोना ट्रैक्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर कनाडा हो गया, यहां पर एक स्पेन है, ठीक है, यहां पर एक स्पेन है, स्पेन भी देश है। ये जो कनाडिया कंपनी है बार्सिलोना ट्रैक्सन, ये स्पेन में बहुत बढ़िया चल रहा था, यहां पर संचालन होता था, ठीक है, स्पेन में चलता था। ये कनाडा की कंपनी जो है स्पेन में संचालित होती थी, और स्पेनिश अधिकारियों की कार्यवाही के कारण ये जो बार्सिलोना ट्रैक्सन कंपनी थी वो दिवालिया हो गई, ठीक है, दिवालिया हो गई। और उस कंपनी में बेल्जियम के शेयर लगा हुआ था, बेल्जियम के शेयर लगा हुआ था। तो यहाँ पर बेल्जियम ने, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये जो स्पेनिश अधिकारियों के द्वारा जो कनाडियन कंपनी के विरुद्ध में कार्रवाई किया हुआ है, जिसके कारण से दिवालिया हो गया है, तो बेल्जियम ने सारे शेयर होल्डर को लेकर जो है, जितने भी शेयर होल्डर थे जो पैसा लगाए थे कनाडियन कंपनी में, ठीक है, तो उन्होंने दावा किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर जो है वाद दायर किया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखिएगा यहाँ पर, क्या बेल्जियम को अधिकार है कि अपने शेयर होल्डर के हित में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लगा सकता है? विवाद किसका किसका है? कनाडिया कंपनी और स्पेन कंपनी है, ठीक है, कनाडिया और स्पेन, कनाडा और स्पेन से संबंधित है, क्या बेल्जियम लगा सकता है? तो यहाँ पर बेल्जियम के पास से धारकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, बोल दिया कि बीच में तुम क्यों आ रहे हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले ने, ठीक है, दायित्व की अवधारणा पर प्रकाश डाला और जस्ट कोजेस मापदंडों पर चर्चा की, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि में मूलभूत सिद्धांत जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है और जिनसे कोई छूट नहीं दी जा सकती है, इसलिए इसको कहा कि जस्ट कोजेंस थ्योरी यहाँ पर लागू होगा, भाई आप केस दायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ उदाहरण होता है जस्ट कोजेंस के, कुछ उदाहरण होता है जैसे नरसंहार है, गुलामी है, नस्ली भेदभाव है, ऐसे मामलों में जस्ट कोजेंस लागू होता है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई निर्णय दे दिया होगा तो उससे परे जाकर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर यह मामला कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंडों और गैर अपमानजनक प्रकृति को दर्शाने के लिए किया गया है, ठीक है, गैर अपमानजनक मतलब यह डिप्लोमेटिक रिलेशंस का था, यानी कि तीसरा जो डिप्लोमेटिक दो देश के बीच में विवाद चल रहा है और तीसरा अपने हित का जो है मांग कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर यूनाइटेड स्टेट बनाम ईरान, ईरान का मामला जो है, यूएस वर्सेस ईरान का मामला जो है, ठीक है, ये बंधकों के मामले के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बंधक से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर उसके दूतावास पर कब्जा करने और तेहरान में बंधकों को लेने के लिए मुकदमा दायर किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यों केस लगाया था कि जो ये जो ईरान है, ठीक है, ईरान जो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दूतावास पर कब्जा कर लिया है और तेहरान के कुछ लोगों को बंधक बना लिया है, ठीक है, यह मामला वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिक सुरक्षा के उल्लंघन पर केंद्रित है, ठीक है, यह वियना कन्वेंशन से संबंधित है। वियना कन्वेंशन में कहा है कि आप जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बंधक नहीं बना सकते, जेल में अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये राजनयिक सुरक्षा के उल्लंघन पर केंद्रित है, लेकिन ये जस्ट कोजेंस मापदंडों पर केंद्रित नहीं था, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वियना कन्वेंशन में दिया हुआ था। यहां पर देखेगा फिशरीज जुरिडिक्शन केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरीज, ठीक है, जो क्षेत्राधिकार मामला है 1974 का है,
मामले में यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड के बीच मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर विवाद शामिल था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि यूके और आइसलैंड, आइलैंड जो है, आइलैंड बोलते हैं इसको, आइसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। इसने समुद्री क्षेत्र अधिकार और आर्थिक अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया है, ठीक है, यहाँ पर जो है तो मछली पकड़ने के अधिकार से संबंधित, ठीक है, जस कोजेस मानदंडों पर केंद्रित नहीं है। और निकारागुआ का केस तो अभी हमने बताया आपको जो है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कैसे है उन्होंने जो है हस्तक्षेप, गैर हस्तक्षेप और बल के उपयोग के निषेध से संबंधित मामला है ये, गैर हस्तक्षेप करना, ठीक है, बल के उपयोग के निषेध जैसे सिद्धांतों की पुष्टि की है, जिसने मुख्य रूप से जस्ट कॉजेस मानदंडों पर चर्चा नहीं की गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप यदि पढ़ते हैं, मुझे 100% पता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आपका सारे प्रश्न बन जाएगा। आपको कैसा लगा जरूर हमें शेयर करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, हमें व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यदि ये नोट्स आपको चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सअप में आइए, मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, कुल मिला के यू है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।